हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम अदर हेल्थ सर्विसेज में पढ़ चुके हैं, मिशन हेल्थ सर्विसेज क्या होता है, रेलवे हेल्थ सर्विसेज क्या होता है, वैसे ही हम पढ़ते हैं आज कि प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज क्या है, क्लिनिक्स क्या है, प्राइवेट कंसल्टेंट सेंटर्स क्या हैं और मिशन एंड रिलीजियस हॉस्पिटल्स कौन से हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ मिक्सड इकोनॉमिक एंड ग्लोबलाइजेशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर बींग ओपन रैपिडली फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज मेट्रो सिटीज, देयर नेटवर्क इज स्प्रेडिंग। क्या है, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ये खोले गए थे ड्यू टू इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो इंक्रीज़ हो रहा था, ग्लोबलाइजेशन, लोगों की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो रही थी और बहुत सारी बीमारियां हैं ऐसी आ रही थी, जिसकी वजह से क्या है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो ओपन किए गए हैं और एक इंटरकनेक्शन बनाने के लिए, एक नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, स्मॉल सिटीज़ और लार्ज सिटीज़ मेट्रोज़ में उन्होंने क्या किया है, जो अर्बन हॉस्पिटल्स अर्बन एरिया में क्या किया है, हॉस्पिटल खोले हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स एंड क्लिनिक्स मेनली थेरापेटिक इंस्टीट्यूशन एंड प्रोवाइड हेल्थ सर्विस टू द अर्बन पॉपुलेशन एंड टू गेट देयर सर्विसेज प्राइस इज टू बी अ पेड, पुअर एंड वीकर सेक्शन कैन नॉट गेट देयर सर्विसेज। क्या होता है, जो हाईली इकोनॉमिक जिनका स्टेटस है, जो फैमिली है उनका इकोनॉमिक स्टेटस ज़्यादा अच्छा है, वो क्या है, यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और जो ये हॉस्पिटल्स होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो कहाँ होते हैं, अर्बन एरिया में होते हैं, जिससे क्या है वहाँ पे नर्सिंग होम्स भी होते हैं, जिससे क्या है जो लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होता है वही क्या होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके अपना हेल्थ सर्विस ले पाते हैं, और जो पुअर स्टेटस के लोग होते हैं, जो पुअर फैमिलीज होती हैं, वो अपना इतना अफोर्ड नहीं कर पाती, जिसलिए क्या होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल को इतना नहीं जाते हैं, वो क्या है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं वहाँ से। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्राइवेट कंसल्टेंट सेंटर्स क्या होते हैं, विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एलोपैथिक हॉस्पिटल द टेंडेंसी टू स्टार्ट हेल्थ कंसल्टेंट प्राइवेटली इट इंक्रीज अमाउंट डॉक्टर्स। क्या है, जैसा कि देखा गया कि एलोपैथिक्स के हॉस्पिटल्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज अमाउंट हो रहे हैं, जिससे क्या हेल्थ कंसल्टेंट प्राइवेटली किया गया, इसमें इंक्रीज ऑफ डॉक्टर्स को बढ़ाया गया। मेडिकल कंसल्ट ऑफ इंडिया एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रोफेशनल चेक ओवर दैम, इन एडिशनल टू एलोपैथिक डॉक्टर फिजिशियन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुष ऑल्सो कंडक्ट क्लिनिक्स एंड कंसल्टेंट सर्विसेज। जो अदर मेडिसिन होती हैं, जो अदर एलोपैथिक जैसे होती है वैसे होम्योपैथिक होती है, आयुष होती है, आयुर्वेदिक होती है, इनको भी क्या है उतनी ही मान्यता प्राप्त की गई और इनके भी प्राइवेट जो सेंटर्स हैं वो खोले गए, ठीक है, जिसे हम वहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे भी हम क्या है अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं मिशन एंड रिलीजियस हॉस्पिटल। मिशन एंड रिलीजियस हॉस्पिटल में देखते हैं क्या लिखा है, दिस हॉस्पिटल्स are managed by the mission ट्रस्ट चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये, इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री सच हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक प्रोवाइड द मेडिकल सर्विसेज आदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट वेरी चीप रेट टू कॉमन पीपल्स। क्या है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स से ये क्या होते हैं कुछ कम रेट में यहाँ पे क्या करते हैं वो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल सर्विसेज देते हैं लोगों को, और कहीं कहीं पर तो क्या होता है फ्री ऑफ कॉस्ट भी वहाँ पर क्या करते हैं ट्रीट करते हैं, ठीक है। दे आर फंक्शनिंग मेनली इन अर्बन बट प्रोवाइड हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन ऑल्सो थ्रू कैंप और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्या होता है कि जो ये मिशन हॉस्पिटल्स होते हैं ये अवेलेबल होते हैं अर्बन एरिया में, पर क्या होता है इनके जो कैंप्स हैं और वो क्या होते रहते हैं, ये लोग अपना कैंप लगाते रहते हैं जो रूरल एरिया में होते हैं, जिनको क्या है सर्विस प्रोवाइड कर सके, उनको वहाँ पे नॉलेज देते हैं, जिससे कि वो अपना माइग्रेट होके क्या है कि अपना अर्बन एरिया में भी आके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं और वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटी कैंप में दी जाती है वो भी वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा अदर हेल्थ सर्विसेज में जो तीन बचे हुए थे मैंने आज आपको वो भी बता दिए, और ये हमारा कंप्लीट होता है अदर हेल्थ सर्विसेज जितनी भी थी मैंने आपको बता दी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कंटिन्यू टू विजिट माय चैनल और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।